नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा पंचमी, विषय संस्कृतम। आज हम इस कालांश में धातु रूप को पढ़ेंगे। धातु रूप में लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, पठ धातु पठ पढ़ना, लट लकार वर्तमान काल, पुरुषः एकवचनम्, द्विवचनम्, बहुवचनम्, पठति पठत पठन्ति प्रथम पुरुषः, पठसि पठत पठत मध्यम पुरुषः, पठामि पठाव पठामः उत्तम पुरुष। लिख धातु लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना। लट लकार वर्तमान काल। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम पुरुषः। शब्द रूपों में विभक्ति आती है और धातु रूप में पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लिखति लिखत लिखन्ति प्रथम पुरुषः, लिखसि लिखत लिखत मध्यम पुरुषः, लिखामि लिखाव लिखामः उत्तम पुरुषः। गम धातु गम, गम का अर्थ होता है जाना। अब हम देखते हैं यहाँ गम लिखा हुआ है, लेकिन जब हम धातु रूप लिखेंगे तो उसमें गच्छ बन जाएगा। लट लकार वर्तमान काल। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। जैसा कि आपने देखा हमने तीन लकार पढ़े हैं, तो इन तीनों में तीन वचन हैं, तो संस्कृत में तीन वचन हैं और हिंदी में दो वचन हैं। पुरुष भी तीन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ऊपर हमने हेडिंग लगाई है गम धातु, और अभी अब मैंने बताया आपको गम धातु के रूप गच्छ से चलेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं, गच्छति गच्छत गच्छन्ति प्रथम पुरुष, गच्छसि गच्छत गच्छत मध्यम पुरुष, गच्छामि गच्छाव गच्छामः उत्तम पुरुषः। इस कालांश में हमने तीन लकार पढ़े, पठ पढ़ना, लिख लिखना, गम गच्छ जाना। अगले कालांश में हम तीन लकार का अध्ययन करेंगे।